थर्ड वन इज ऑन दर्ड एडिशन ऑफ दो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस तो यहां पर बात करेंगे ये टेरर कॉन्फ्रेंस होता क्या है और इस टेरर कॉन्फ्रेंस का क्या सिग्निफिकेंस है क्या क्या है इसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं इसके कॉर्सिव मेशर्स और इसका बिग पिक्चर क्या है दैट ऑल्सो विल बी सीन इन आवर थर्ड आर्टिकल द फोर्थ वन इज ऑन द दस्पेक्ट ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग सो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल की थ्री डी प्रिंटिंग होता क्या है थ्री डी प्रिंटिंग क्या क्या आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एंड क्या क्या है इसके एप्लीकेशन दैट इन आवर फोर्थ आर्टिकल is वन इज ऑन account अकाउंट so यहां पर बात करेंगे वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है एट द सेम टाइम यहां पर यह भी बात करेंगे कि जो ग्लोबल ट्रेड settlements हैं जहां पर हम लोग इनिशियली और conventionally हम लोग डॉलर्स यूज करते हैं इसे कहीं ना कहीं डॉलर्स की मोनोपोली को कम करने के लिए डॉलर्स की सिग्निफिकेंस को कम करने के लिए एज ऑफ नाउ कैसे हम लोग रूपी जैसे करेंसीज या रूबल जैसे करेंसीज को यूज कर रहे हैं दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ एस्पेक्ट एंड देन एज यूजुअल द द द द द सिक्स्थ वन वन इज इज ऑन क्विज ऑफ डे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ अब यहां पर जो आर्टिकल है इट इज सेइंग की इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो रहा है और इसका वजह जो है दैट इज इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज दैट इंडिया हैज ओवरटेकन ओवर द इयर्स और ये जो कमेंट है ये यूनाइटेड नेशन से आ रहा है तो so, यहाँ पर फर्स्ट आपको देखना जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टेबलाइजिंग होने का मतलब क्या होता है सेकेंड की इंडिया ने ऐसे कौन से कौन से इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसी लिए हैं सो स्टार्ट वन वन बाय अगर ग्लोबल वर्ल्ड में अगर ग्लोबली अगर हम लोग पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव को देखें पॉपुलेशन के सिनेरियो को देखें तो ग्लोबली वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है एज ऑफ द ईयर 2021, इट इज 7.4 बिलियन सो करीब करीब जो 7.4 बिलियन है दैट इज दी करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर इस पॉपुलेशन में टोटल पॉपुलेशन में फीमेल्स की संख्या को देखें विध परसेंटेज सो जो फीमेल्स की शेयर ऑफ फीमेल और जो बाकी के हैं फिफ्टी पॉइंट फोर दैट इज ऑफ मेल्स अब देखते हैं कि क्या क्या है स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडिया एंड दर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड नेशंस में से आधे से ज्यादा नेशंस में जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ दैट रेट हैज बीन डिक्रीजिंग वो गिर रहा है एंड दिस रेट हैज बीन डिक्रीजिंग बिहाइंड द रिप्लेसमेंट रेट तो रिप्लेसमेंट रेट क्या है वो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू नीट अंडरस्टैंड कि जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो रेट जो है वो कम हो रही है एंड एज ऑफ नाउ काफी सारे कंट्रीज में रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे गिर रही है सेम टाइम इट इज द फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि देर कैन बी एन जीरो ग्रोथ रेट दैट मींस वहां पर ग्रोथ रेट ही ना हो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो ही नहीं जीरो ग्रोथ रेट हो और दिस ग्रोथ रेट कैन बी अचीव बाय द एंड ऑफ सेंचुरी दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डाटा अब वैसे ही कंट्रीज में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है दैट हैज बिन डिक्रीजिंग ओवर दस इसके साथ साथ कोविड 19 पैंडेमिक में इस रेट को और ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है अब जो रेट ओवर दस डिक्रीज कर रहा था कन्वेंशनल वे में उसे और ज्यादा नोज डाइव किया गया है और और इसी कारण ये कहते हैं कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है इट इज इंक्रीजिंग बाय मल्टीपल ऑफ अराउंड 1.09 बिटवीन 2021 एंड 2031, व्हिच इज वेरी मिनिमल अब जब भी आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं बेसिकली दो थियरीज हैं जो कि हम लोग कन्वेंशनली फर्स्ट इज दी थियरी मालिय अब ये कहता है दिस इज प्रोपाउंडेड बाय अ पर्सनालिटी नोन एज नॉन ओके मालतूस मालतूस ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि उन्होंने 1798 में लिखा था जहां पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जिस रेट से वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो करेगी उस सेम रेट से जो आपका फूड है वो ग्रो नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्राफ में देखें तो so ग्राफ में जो हाईर रेट में ग्रो कर रहा है दैट इज पॉपुलेशन एंड द द द लोअर रेट में जो ग्रो कर रहा है दैट इज इज फूड एंड एंड दिस प्रोपाउंडेड बाय जिसे हम लोग कहते हैं मालतूस इन थियोरी बट इस थियोरी का एक काइंड ऑफ फ्लॉज निकल के आया दिस फ्लॉज वाज वॉज ब्रेक थ्रू इन दी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी काफी सारे ब्रेक थ्रूज हैं फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए High yield, variety seeds हैं। और इसके कारण जिस रेट से फूड ग्रो करना चाहिए था जैसे कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये पॉपुलेशन ग्रो करेगा उसे बट क्योंकि हमने काफी सारे ब्रेक थ्रू किएकल टेक्नोलॉजी इसीलिए फूड भी अभी काफी हाईअर रेट से ग्रो कर रहा है एंड दैट इज वाई दिस थियोरी हैज बीन प्रूव रॉन्ग सेकेंड थियोरी इज द बिग पुस्ट थियोरी बिग पुस्ट थियोरी जो है इट वॉज प्रपाउंडेड बाय एन इकोनॉमिस नॉन एस हार्वी और हार्वी ने कहा था कि इस थियरी में उन्होंने कहा है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट वुड लीड्स टूशन ऑफ द इनकम्स इनकम्स कैसे करेंगे तो so यहां पर एक्चुअली उसकी में जाना जरूरी नहीं है बट अगर बेसिकली समझे तो so यहां पर उनका जो आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट के पीछे के जो income, का जो बैकबोन है दैट इज अगर आपका पर कैपिटल इनकम फैमिली का जो पर कैपिटल इनकम है या पर्सनल लेवल पे जो आपका पर कैपिटल इनकम है वो कम है दैट मीनस वो क्या करेंगे लोग सेव करेंगे जब सेव करेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी एंड दैट इज हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ और इनकम इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड दैट इज वाई काफी बार इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो टेंडेंसीज हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इट इज ऑलवेज हैविंग एन कॉन्टेशन टू दी इकोनॉमी विद अब देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं अब जब भी हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं काफी सारे पैरामीटर फॉर एक्साम्पल द फर्स्ट वन इज फर्टिलिटी रेट अब फर्टिलिटी रेट क्या है इस एज ग्रुप को कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या रिप्रोडक्टिव पीरियड और इस रिप्रोडक्टिव पीरियड में जितने नंबर ऑफ बर्थ हो पर थाउजेंड वुमेन दैट इज नोन एज फर्टिलिटी रेट अब प्लीज रिमेंबर प्लीज यहां पर ध्यान रखें कि फर्टिलिटी रेट इज नॉट इक्वल टू टोटल फर्टिलिटी रेट अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो दैट इज एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न टू अ एट द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव पीरियड जो कि क्या है दिस 15 टू 44 और इसीलिए टोटल फर्टिलिटी रेट इज नॉट इक्वल टू फर्टिलिटी रेट एक तीसरा पैरामीटर है जो कि हम लोग क्वाइट ऑफन सुनते हैं दैट इज रिप्लेसमेंट रेट अब रिप्लेसमेंट रेट क्या है रिप्लेसमेंट रेट इज ए लेवल और इट इज ए फर्टिलिटी रेट एट एटविच अ पॉपुलेशन रिप्लेसेस इट सेल्फ एक्सैक्टली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अब रिप्लेसमेंट रेट में थोड़ा सा और बारीकियों में जाते हैं उसकी डिटेल्स को समझते हैं सो व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट जो है या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रो है इट इज द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट एटविच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इट सेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अब ये जो रेट है दिस रेट वैरी ये वैरी करता है डेवलप्ड कंट्रीज में जो हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में दिस वैल्यू इज अराउंड 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन दैट मींस अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इस रेट को अचीव कर पाए या इस रेट में है दैट मीन्स जितने भी ग्रो कर रहे हैं पॉपुलेशन उतना ही पॉपुलेशन कम भी हो रहा है एंड पॉपुलेशन वुड बी स्टेबिलाईजिंग दैट इज ए बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अगर आप एज स्ट्रक्चर के माध्यम से जानना चाहें तो so यहां पर अगर आप एज स्ट्रक्चर शोकेस करें सो हियर यूनाइटेड स्टेट्स का 2010 एंड जर्मनी में 2010 का एज ग्राफ्ट और एज स्ट्रक्चर दिखाया गया है ग्राफ के तौर पे। so यहां पर दिस एक्सिस इज द एज ग्रुप एंड एक्स एक्सेस इज द पॉपुलेशन अब यहां पर अगर देखें मेल एंड फीमेल्स में कंबाइन करके देखें अगर किसी कंट्री में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो अचीव कर चुके हैं देन इट वुड शोकेस अ पिलर स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे यूनाइटेड स्टेट्स में में 2010 दे अ पिलर बेस्ड एज स्ट्रक्चर एंड दिस वाज बिकॉज कि वो अचीव क्या कि? उन्होंने अचीव कर लिया था रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बट अगर किसी कंट्री में जो रेट है जो ग्रोथ रेट है दैट इज वे बिलो दैट इज इवन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल देन वहां पर आप पिलर स्ट्रक्चर नहीं देखोगे वहां पर जो आप देखोगे दैट इज मशरूम जो कि आपने देखा है जर्मनी में 2010 में सो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द एज स्ट्रक्चर अब बात करते हैं कि क्या क्या एसोसिएटेड इश्यूज़ हो सकते हैं विद पॉपुलेशन कंट्रोल सो द फर्स्ट एसोसिएटेड इशू इज द बेसिक बेसिक हम लोग जो एजम्पन करते हैं यहां पर दैट इज की हाई पॉपुलेशन इज ऑलवेज बैड हम लोग ये एज्यूम करते कि हाई पॉपुलेशन हर वक्त बैड होता है बट दिस एज्पशन इज रॉन्ग हाई पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज बैड ये हर वक्त बैड नहीं होता अब इसे सिंपल तरीके से ऐसे समझें कि अगर इकोनॉमी में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है दैट को ग्रो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे आपको मैन पावर चाहिए होंगे और अगर आपके पास इनफ पीपल नहीं है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी दैट मीन इकोनॉमी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ होना जरूरी है हाई पॉपुलेशन इज ए गुड थिंग इट सेल्फ बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में है अब मानिए कि ये जो पॉपुलेशन है लार्ज पॉपुलेशन है वो अगर टिव एज पॉपुलेशन है एज के हैं सीनियर सिटीजन क्या होगा इसके वजह से उनके फैमिली में एक असर होगा फैमिली में काफी सारे प्रेशर होंगे फैमिली में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा फैमिली में प्रेशर बढ़ेगा सेम टाइम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट को पेंशन देने पड़ेंगे इनिशिएटिव कराने पड़ेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको ऑल्डर सिटीजन या हायर Higher age citizens के बेसिस पर आपको उसे कहीं कही ना कहीं ट्यून करना होगा तो so, यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर और फैमिली के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ता है सो so, दैट कि यहां पर पॉपुलेशन इल्फ हाई होना बैड फीचर नहीं है बट पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के पॉपुलेशन ज्यादा है दैट इज अ मेजर फैक्टर एंड अदर इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ दॉपुलेशन सो यहां पर किन्स कहते हैं इन वन ऑफ द लिखर जिन्होंने जो उन्होंने डिलीवर किया था इंडिया 1937 जिस लेक्चर का नाम था सम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन सो जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा बिग पोस्ट थियरी में भी यहां पर भी ये ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वहां पर एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी है देर इज एन कॉन्टीशन टू द इकोनॉमी अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन so तो करें, करें तो ये जो पॉपुलेशन क्या है दिस पॉपुलेशन इज दंज्यूमर्स इट से तो कंज्यूमर्स के नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं कंज्यूमर्स के नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहे हैं दैट मींस इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग सो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी हैं दैट इज समथिंग दैट इन इन हिज लेक्चर द ईयर 1937 देन अनदर पॉइंट इज द चाइनास मॉडल

खराब भी हो सकता है इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो अगर इंडिया की बात करें इंडिया में इट कम्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल इज एन रिलीजियस फैक्टर जो कि हम लोग क्वाइट ऑफन न्यूज में आ, दिखते हैं एज वेल एज काफी सारे सराउंडिंग अब इंडिया में यह समझना जरूरी है इंडिया इज हैविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी स्ट्रक्चर और यहां पर जब भी हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं वी ऑफन टें टू ब्लेम अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी इन इंडिया या कहें पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया ये पर्टिकुलर जो हम लोग टारगेट करते हैं that is based on some data, और सम स्मॉलर पिक्चर ऑफ अ बिगर पार्ट बिगर पिक्चर का ही एक छोटा हिस्सा को दिखा के या उस डाटा को कहीं ना कहीं स्क्य करके हम लोग दिखाते हैं कि, कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का रोल है किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का रोल है इन पॉपुलेशन ग्रोथ बट ये क्लियर कट हमें समझना चाहिए कि इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन वहां पे रिलीजन का कोई इंपैक्ट नहीं है अगर आप रिलीजियस फैक्टर को जोड़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट करेगा सोशल हार्मनी को सेक्युलरिज्म पे सोशल जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ेगा और रिलीजियस फैक्टर है ही नहीं वाट इज इंपॉर्टेंट इट कम्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया इज की पोअर्टी Purity एक फैक्टर है आपकी जो पैट्रियरिटी है वो फैक्टर है आपकी जो लिटरेसी रेट है वो फैक्टर है।, है वो फैक्टर है बट रिलीजन इज नॉट अटर जो कि क्वाइट ऑफ एन पॉलिटिशियन वोट बैंक एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एन इंपैक्ट ऑन दुअर अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट हाइयर होते हैं किस सेक्शन में पुअर सेक्शन में और जैसे जैसे पर सेक्शन में जो इनकम है वो बढ़ते जाते हैं वैसे ही आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है दैट मीनस अगर इनकम अपॉर्चुनिटीज हो उनके पास अगर उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी हो अगर उनकी जो ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स है अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो आप बढ़ा पाओ तो देयर टोटल फर्टिलिटी रेट वो डिक्रीज और जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगा

then that can be counterproductive in India also. India may yes, the same consequences can happen in India, जो कि China में हुआ था. Same time, India में एक और issue है that is patriarchy. India में ज़्यादातर लोग जो हैं वो prefer करते हैं एक male child. और अगर इन जैसे conventional जो families हैं यहाँ पर अगर आप stringent norms लगा दो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही child कहीं ना कहीं reproduce कर पाओगे, then they would be focusing their attention on an male child. Male child का जो preference है वो बढ़ जाएगा एंड दैट वुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन है सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन विद दैट अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंडिया के डेमोग्राफी में ओवर द इयर्स अगर डेमोग्राफी में चेंजेस की बात करें फर्स्ट चेंज इज की पॉपुलेशन ग्रोथ अगर यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की बात करें ऑफ द रीसेंट ईयर दैट इज 2022 तो वो फोरकास्ट करता है कि इंडिया वुड बी बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द ईयर 2023 और हम चाइना को भी सरपास्ट कर देंगे एंड देन पॉपुलेशन और अगर इंडिया के पॉपुलेशन को वर्ल्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करें करेंटली होल्डिंग अराउंड सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन और ये जो ग्रोथ है जो एज ऑफ नाउ इंडिया में है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दिस पॉपुलेशन इज फोर टाइम्स टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में जो पॉपुलेशन थाउंड थर्टी फोर क्रोर्स उससे चार गुना ज्यादा पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ हमारे प्रेजेंट इंडिया में है और इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया के अगर ग्रोथ रेट को देखें उसको अगर एक्सट्रापुलेट करें तो आपको समझ में आएगा इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच 150 फिफ्टी क्रोर्स बाय ट्वेंटी थर्टी एंड वन सिक्सटी सिक्स क्रोर्स बाय दर ट्वेंटी फिफ्टी एंड अदर इंपोर्टेंट चेंज इज ए डिक्लाइन इन इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2021 की बात करें तो so इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी नीचे चला गया और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज का ही हम लोग ने यूज किया दैट इज ऑफ 2.1 पॉइंट वन चिल्ड्रन पर वुमेन और इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज टू दैट इज लेसर देन दिस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी और इसके कारण काफी सारे स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है अगर हम इसे इंडिपेंडेंस के साथ कंपेयर करें तो so इंडिपेंडेंस के टाइम पे परिफ्टीज में पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था दैट वाज ऑफ सिक्स और देखिए कितना बेटर हम लोग ने परफॉर्म किया एज ऑफ नाउ बट यहां पर ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट इज मोर देन दी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये गिने चुने स्टेट्स हैं बिहार यूपी झारखंड मणिपुर एंड मेघालय ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लिटरेसी रेट काफी लो है या इलिट्रेसी लेवल काफी हाई है

बट यहाँ यस देर इज एन इश्यू एट द सेम टाइम वाट यू नीड टू अप्रिशिएट कि जितने भी पॉलिसीज हमने ओवर दियस किए इसके वजह से देर हैज बीन एन इंप्रूवमेंट इन दी मोटेलिटी इंडिकेटर्स फॉर एक्साम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें सो so इंडिपेंडेंस के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जो था दैट वॉज थर्टी टू ईयर्स दैट मींस इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता था सो so हम ये मानते थे कि जो एवरेज लाइफ है जो कि वो बच्चा जीने वाला है दैट इज ऑफ थर्टी टू ईयर्स थर्टी टू ईयर्स के बाद वो मरने वाला है बट एज ऑफ नाउ अगर आप कंपेयर करें ट्वेंटी में भी हम लोग ने काफी डिक्लाइन किया है सेम वे अंडर फाइव मोर्टिलिटी रेट या मेटर्नल मोर्टिलिटी रेशियो में भी हमने काफी बेटर परफॉर्म किया ओवर दस दैट इज बिकॉज ऑफ द इनिशियटिव दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैजेक अब अगर बात करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल के स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है ओवर दस फर्स्ट उन्होंने काफी सारे कैंपेन्स चलाए हैं फॉर एग्जाम्पल रेडियो शोज उन्होंने चलाए कॉमर्शियल चलाए पोस्टर्स उन्होंने लगाए होर्डिंग्स लगाए और ये 2016 से चलते आ रहा है ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर पाए सेम टाइम अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाने स्टार्ट कर लिया वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ऑल्सो ताकि हम लोग अवेयरनेस को बूस्ट कर पाए प्रोमोशनल एक्टिविटीज भी करें फॉर एग्जाम्पल देर इज इस बहु सम्मेलन हम लोग जो कर रहे हैं इज इज पहल मोबाइल पब्लिसिटी है एडवोकेसी जो हम लोग करवा रहे हैं देन दिस परिवार विकास मिशन जहां पर वो क्या कर रहे हैं इंडिया में ऐसे स्टेट जहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टोटल फर्टिलिटी रेट थ्री से भी ज्यादा है वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में वो फोकस कर रहे हैं और वहां पर जो एक्सेस है का जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है उसे वो एनहेंस कर रहे हैं टारगेट कर रहे हैं नए तरीके के कॉन्ट्रोसेप्टिव भी बना रहे सेन्ट्रोसे उसके पैकेजिंग को वो कर रहे हैं, उसको रीपैकेज कर रहे हैं ताकि जो है के, उस टैबू को आप हटा पाओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेशन स्कीम फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सनैलिटी को स्टेडलाइजेशन की वजह से अगर उनमें कोई लॉस ऑफ वेज होता है या उनमें और कोई इशूज होते हैं देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दे वी प्रोवाइडिंग कंपनसेशन ऑल्सो

फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी कॉमोर्टीज हैं हर एक लेवल में उनकी प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो द सेम टाइम नेशनल फैमिली प्लानिंग स्कीम जहां पर अगर की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कोई फेलियर होता है कोई डेथ होता है देन इन सब केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी या इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अब अगर पर्टिकुलरली बात करें विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंस पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंस रिसेंटली जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब क्या क्या मेजर्स मेशर्स देन आवर फोकस शुड बी ऑन दी फाइव ईयर प्लान सो अगर हम लोग फाइव ईयर प्लान को बात करें सो देर हैज बिन वेरियस फाइव ईयर प्लान ने ओवर दस देखे हैं पर्टिकुलरली विद दी प्लानिंग कमीशन एज ऑफ नाउ फाइव ईयर प्लान है नहीं आफ्टर दी अब्रिंगिंग ऑफ नीति आयोग बट प्लानिंग कमीशन के टाइम पे वी हैड फाइव ईयर इ्लान

थर्ड फायर प्लान जो नए तरीके की जो कॉन्ट्रेश्जाम्पल कॉपर्टी जैसे जो टेक्निक में यूज करते थे उन जैसे कॉन्ट्रेपिव डिवाइसेस को एडॉप्ट करना और उनकी जो रीच है वो बढ़ाने के लिए हम लोग ने ट्राई किया इन दोर्थ फायर प्लान जितने भी तरीके के कंट्रोल मेथड है कन्वेंशनल हो मॉडर्न हो इन तरीके के मेथड को हम लोग ने एंकरेज किया इन द फाइव यहां पर वी मेड एंड पॉलिसी एक वेरी कॉम्प्रेसिव पॉलिसी से आप कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि अनाउंस किया गया था इन दर नाइनटीन सेवन जहां पर फॉर एग्जांपल वेरियस स्पेशल थे कुछ अगर इंपॉर्टेंट सिलेन फीचर्स की बात करें फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल एंड वुमेन गर्ल एंड बॉयज टू एटीन एंड ट्वेंटी वन रेस्पेक्टिवली सो मिनिमम एज जो है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए जो बढ़ाकर एटीन एंड ट्वेंटी वन किया था रेस्पेक्टिवली दिस वॉज अंडर नेशनल पॉलिसी या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एट द सेम टाइम यहाँ पर लिटरेसी लेवल बढ़ाने की बात की गई पर्टिकुलरली ऑफ इमर्स एंड हम लोग कैसे करें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को कैसे फोर्स फोर्सेशन को हम लोग परमिट करें ऑल दिस थिंग्स वेयर अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देन केम द सिक्स सेवेंथ एंड एट अब सिक्स सेवन एट को हम लोग अगर कंबाइन करेंट वॉज अ लॉन्ग टर्म प्लान ओके okay, एंड में हम लोग के पास काफी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस भी थे और यहाँ पर जो हमारा डेमोग्राफिक हम चेंजेस क्या -क्या हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस को हमें कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी करना है हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव अकम्पलिश करना है दैट वॉज दी एम कम टू दी सिक्स एंड प्लान प्लान 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एम एस स्वामीनाथन ताकि वो बनाए क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और काफी सारे नए फैमिली प्रोग्राम्स भी बनाए गए और उसे और कॉम्प्रिहेंसिव भी कर दिया गया फॉर एक्साम्पल नाइनटीन में ही जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसे रीनियम कर दिया गया इन टू दिली वेलफेयर प्रोग्राम और वो और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने लॉन्च किया विद दैट नाउ सी कि क्या क्या है इसके कॉन्सिक्वेंस अगर हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंस को देखें सो देर अ वेरी गुड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द दैट वी हैव टेकन ओवर द इयर्स काफी अच्छा रिजल्ट्स हम लोग ने हम लोग ने देखे वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट दैट वी कैन शोकेस हियर एज अ काइंड ऑफ इनिशिएट एज अ काइंड ऑफ बेनिफिट और एज अ काइंड ऑफ एडवांटेज इसकी जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया में काफी सारे स्टेट्स में पर्टिकुलर कहें ट्वेंटी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट एज डिक्रीज एंड इट इज मोर देन रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट लेवल लेवल सो से भी ज्यादा वो गिर चुके हैं और इसीलिए इन सब स्टेट्स में ट्वेंटी जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ गिरे चुने स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल इंडिया में है बिहार यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे कुछ गिने चुने स्टेट्स जहां पर आप ये बेसिक एस्पेक्ट अचीव नहीं कर पाए पर बाकी अदर स्टेट्स में यू हैव अचीव दिस एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेशर एंड दैट शो द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज दैट वी हैव टेकन ओवर द इयर्स विद दैट नाउ लेट्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द इलेक्शन कमीशन एंड द पॉलिटिकल पार्टीज तो so, यहां पर दो एस्पेक्ट्स हैं फर्स्ट इलेक्शन कमीशन है सेकंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और क्योंकि ये टॉपिक काफी दिनों से चलते आ रहे हैं और इसीलिए वी एव ऑल्सो कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर फोर्टीन सेप्टेंबर वीडियो जहां पर इन डिटेल हम लोग ने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल के इलेक्शन कमीशन होता क्या है क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है इसके सेफ क्या क्या है इसके पावर्स क्या क्या है इसके मैंडेट जुडिक्शन एवरीथिंग वी हैव डिस्कस और इस पर मूव ऑन करके देन वी हैव डिस्कस्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को आप कैसे कहीं ना कहीं आप कैरेक्टराइज करते हो क्या क्या फीचर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नॉर्मल डेमोक्रेसी में क्या क्या तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ऑल दो इन आवर फोर्टीन सितंबर वीडियो सेल्फ सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो है वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक विद डैट नाउ लेट सी दस्पेक्ट्स ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस अब यहां पर बात की जा रही है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इंडिया में किया जाएगा इंडिया वुड बी होस्टिंग कंट्री और यहां पर यह जाना इंपॉर्टेंट है कि यह कॉन्फ्रेंस है क्या सो लेट स्टार्ट विदेिक एस्पेक्ट सो ये जो नो मनी फॉर टेरर ये जो कॉन्फ्रेंस है इट इज अन्फ्रेंस जो कि काफी ऑफन किया जाता है और इसके पहले ही दो प्रीवियस एडिशन हो चुके हैं

पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो डिस्कस करने वाले दैट इज कि क्या क्या मिस करते हैं नॉन प्रॉफिट या नॉन फाइनेंस ताकि वो टेरर फाइनेंसिंग कर पाए कैसे वो टेरर फाइनेंसिंग को करते हैं कैसे वो कहीं ना कहीं कानून को सर्कमेंट करते हैं एंड टेरर फाइनेंसिंग के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं हवाला नेटवर्क का क्या रिलेशन मनी ट्रांसफर सिस्टम सर्विसेज की क्या रिलेशन एंड जो टेरर फाइनेंसिंग क्राइम्स है उसे प्रोप करने में उसे इन्वेस्टिगेट करने में क्या क्या इश्यूज फेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उसमें शेयरिंग ऑफ में क्या क्या इश्यूज हैं और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैक्ट करने के लिए उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रिलेटेड है ऑल दिस थिंग्स समथिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी फोकसिंग ऑन दी थर्ड एडिशन ऑफ दी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस एट द सेम टाइम यहां पर ये यह फोकस करेंगे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी जैसे क्राउड फंडिंग को कैसे रोकें रोके, ताकि हम लोग टेरर को फाइनेंस ना कर पाए सो दैट इज बेसिक एस्पेक्ट ऑफ दर्ड एडिशन और यहां पर जब आप नो मनी फॉर टेरर को देखते हैं सो टू अंडरस्टैंड दिगर पिक्चर आप इसे एज एन आइसोलेटेड इवेंट ना देखें इसको आपको जोड़ना है विथ

मटेरियल को थिन करके सबसे लेयर्स को आप डाल के आप क्या बनाते हो आप एक थ्री स्ट्रक्चर बनाते हो और दिस प्रोसेस इज नॉन एज दी डी प्रिंटिंग जब थ्री प्रिंटिंग की बात करें थ्री प्रिंटिंग ब्रॉट टू फंडामेंटल इनोवेशन फर्स्ट इज इसकी कैसे आप मैन्युपलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को इन द डिजिटल फॉर्म सेकेंड इसकी कैसे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो नए शेप्स को बाय एडिशन ऑफ द मटेरियल्स दैट इज इट टू इनोवेशन दैट हैज बीन ब्रॉट इन बाय द 3D प्रिंटिंग अगर थ्री डी प्रिंटिंग के ओरिजिन की बात करें तो द ओरिजिन लाइज इन द फैक्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग तो हमें काफी सारे प्रोटोटाइप बनाने पड़ते थे और इसीलिए क्योंकि प्रोटोटाइप बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता था काफी ज्यादा कोस्ट लगता था तो काफी सारे इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को लगता था कि कहीं ना कहीं इन प्रोटोटाइप्स को हमें बेटर तरीके से परफॉर्म करना बेटर तरीके से हमें क्रिएट करना इन एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड एंड टाइम एफिशियंट मैनर और इसीलिए देर वॉज द स्कोप ऑफ थ्री प्रिंटिंग और थ्री प्रिंटिंग का जो ओरिजिन है दैट लाइज इन दी रैपिड प्रोटोटाइपिंग जहां पर वो क्विक वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वो बना सकते हैं और इससे क्या होगा इससे वो टाइम भी बचाते हैं एंड मनी भी बचाते हैं सो दैट इज बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ थ्री प्रिंटिंग अब थ्री प्रिंटिंग को देखने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड की थ्री प्रिंटिंग के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट बना फॉर एक्साम्पल दिस पिक्चर इज शोइंग कैसे आप थ्री प्रिंटिंग से आप ह्यूमन हर्ट को बना सकते हो एंड दर वर्किंग ऑन दिस तो so, यहां पर क्या होता है ये जो आपका आपका जो प्रिंटर है दिस मूव्स टू एंड फ्रो और यहां पर जो भी मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लास्टिक का मटेरियल बनाना है तो प्लास्टिक को इन एंड मोल्टन फॉर्म और इन एंड मोर लेस विस्कस फॉर्म क्या करते हैं इसमें डाला जाता है उसको हीट किया जाता है ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए या उसको मोल्टन फॉर्म में उसे फिर लेयर बाय लेयर यहां पर वो अलाइन करते हैं और इस तरीके से वो लेयर बाय लेयर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ थ्री प्रिंटिंग अब बात करते हैं कि थ्री डी प्रिंटिंग क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सो थ्री डी प्रिंटिंग एप्लीकेशन मेडिकल में जैसे आपने डायग्राम में देखा वहां पर हम लोग हर्ड बना रहे थे तो वैसे तरीके के और भी हम लोग बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हियरिंग एड्स हम लोग बना सकते हैं जो आपके प्रोसेटिक्स हैं वो हम लोग बना सकते हैं जो इनसोस हैं शू के अंदर वाले वो बना सकते हैं सो so, इन सब टाइप के हम लोग टाइप्स और इम्प्लांट हम लोग बना सकते हैं इन एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड इन एंड आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग, लोग, लोग यूज करते हैं जो मोटर स्पोर्ट है जो आपके एफ एन कार्स है यहाँ पर भी जो भी टेक्नोलॉजी है जो भी आपके पार्ट है जो की आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाना हो यहाँ पर जहां पर आपकी काफी सारे कॉम्प्लीकेशन हो या ज्यादा न्यू टाइप्स के मटेरियल्स आपको लाने हो वैसे सब एप्लीकेशन में आप क्या करते हो आप थ्री प्रिंटिंग को लाते हो एंड दैट इज इट इज वेरी एप्लीकेबल इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो ज्वेलरी में तो इट हैज डिस्ट्रप्टिव जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके थे जिसके तरी जिसके थ्रू आप ज्वेलरी बनाते थे दैट वाज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव वो काफी कॉस्ट इंटेंसिव था और काफी ज्यादा कॉस्ट होता था और बनाने के बाद भी काफी सारे पॉलिशिंग होते थे पोस्ट प्रोडक्शन जो प्रोसेसिंग थे वो काफी ज्यादा थे और इसके वजह से जो कॉस्ट है ज्वेलरी का वो बढ़ जाता था और यहां पर थ्री तो आप, आप, आप एक बेटर ला सकते हो बेटर काइंड ऑफ एक्यूरेसी आप ला सकते हो वेन इट कम्स टू ज्वेलरी इसके साथ साथ आर्किटेक्चर में है फाइनेंस में है सो थ्री डी प्रिंटिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है दैट इज मॉरल लेस इन एवरी फील्ड विद दैट अब देखते हैं कि क्या क्या है इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब एडवांटेजेस की बात करें द फर्स्ट एडवांटेज हियर कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि यहां पर आपके काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है तो ये बनाना काफी इजी है इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है टाइम पे इट इज अफोर्डेबल ऑल्सो स्टार्टअप के लिए काफी अफोर्डेबल क्योंकि यहां पर आपको मोल्ड नहीं चाहिए होते आप डायरेक्टली प्रिंटर के थ्रू बना सकते हो तो जो प्राइस है वो काफी लो रहता है सेम टाइम ये कस्टमाइजेबल भी है आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे आप कहते हो कैड सॉफ्टवेयर कैड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और यहां आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंपैक्ट नहीं करता दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कन्वेंशनल मेथड से बनाओ सो so उसमें अगर आपको कस्टमाइज चाहिए कस्टमाइज करने हैं फॉर एग्जाम्पल गाड़ी को अगर कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइजेशन पे आपको एक ह्यूज कॉस्ट इनकर होता है बट अगर आप थ्री प्रिंटिंग को यूज करें तो आप प्रोडक्शन स्टेज में ही आप कस्टमाइज कर सकते हैं और यहां पर आपके जो फाइनल कॉस्ट है वो इंपैक्ट नहीं करेगा एंड इट इस आइडियल फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑल्सो दैट वी सो सेम टाइम अगर हमें कोई मटीरियल लाने है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा कोई मटीरियल चाहिए जो कि वाटर रेसिस्टेंट हो जो कि वाटर को रिपेल करे या जो कि हीट रेसिस्टेंट हो या क्वारोसिव रेसिस्टेंट हो ऐसे तरीके की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं इन टू दिनरल्स इन टू द मेटीरियल यूजिंग दिस थ्री डी प्रिंटिंग बट इसके साथ साथ काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट द मेजर डिसएडवांटेज हियर इसके यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल क्योंकि यहां पर हम लोग लेयर बाय लेयर बना रहे हैं इस लेयर बाय लेयर प्रोडक्शन के कारण जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर देता है बट बाय 10 टू 50 परसेंट और यहां पर यह भी जाना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल में है अगर आपको 10, 15 या 100, 20 अगर स्मॉल स्केल में आपको प्रोड्यूस करना है देन 3D printing is very better. It could be very cost efficient. But आपको अगर commercial scale में बात कर रहे हैं आप, अगर आपको लाखों units बेचने हो, वैसे type की commercial scales में जब बात करोगे, then 3D printing can be expensive. यहाँ पर yes, it is it is important to know कि 3D printing के कारण काफी सारे accuracy हैं, but at the same time काफी सारे limitations भी हैं. Limitations ऐसे कि यहाँ पर जो machine है, machine is related टू द कंप्यूटर फॉर एग्जांपल देयर इज एन प्रिंटर जो कि प्रिंटर क्या है प्रिंटर एक कंप्यूटर से रिलेटेड है सो so, कंप्यूटर और प्रिंटर में अगर सॉफ्टवेयर की कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट है सॉफ्टवेयर जो वो कंप्लाइंस नहीं है इसके कारण क्या हो सकते हैं इन दोनों के कंप्लायंस में शॉर्टेज के कारण या इन दोनों में कहीं ना कहीं इश्यूज के कारण जो आपका एक्यूरेसी है वो इफेक्ट हो सकता है सेम टाइम यस

अब यहां पर इट इज स्टेटेड या आर्टिकल में यह कहा गया है कि रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू फिजिटेट रूपी बेस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन सो यहां पर फर्स्ट आपको समझना है कि वोस्ट्रो अकाउंट क्या है बट वोस्ट्रो अकाउंट्स का एक बिगर पिक्चर है बिगर पिक्चर ये कि जब भी आप ग्लोबल लेवल पे ट्रांजेक्शन करते हो सो दिस ग्लोबल लेवल पे जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो वो आप करते हो डॉलर्स में और डॉलर्स में करने के कारण एक काइंड ऑफ मोनोपोली है डॉलर्स में और इस मोनोपोली को डिक्रीज करने की जरूरत है और यहां पर इसीलिए हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं दिस डॉलर की जगह में हम लोग रुपी जैसे करेंसी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर आपका आ जाता है यूसेज ऑफ वॉस्टू अकाउंट सो दैट इज द बिगर पिक्चर और इन आवर आर्टिकल ऑफ टेंथ नवंबर हम लोग ने ये काफी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट होता क्या है उसमें वॉस्टू अकाउंट का क्या रोल है

we'll be working hard for you guys but at the same time work hard study hard but most importantly stay safe we'll be doing the same for you guys see you tomorrow